ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने जनरल अस्पताल मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने अस्पताल में मौजूद कमियों के बारे में जानकारी हासिल की, ताकि इन कमियों को समय पर ही दूर किया जा सके। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोनल अस्पताल में मौजूद कमियों के बारे में चर्चा की, ताकि लोगों को अस्पताल में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है, जिससे रोगियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा करना है, चाहे वे ऊर्जा विभाग के लोगों की समस्या हो या जनता की, उनके लिए सब एक समान है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि अस्पताल मदर चाइल्ड इमारत का काम चला हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक मदर चाइल्ड इमारत को बना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाएगा, ताकि रोगियों को सही उपचार मिल सके। पिछली सरकार के अंदर भी मैं प्रदेश मंत्री था, परंतु स्थानीय यहाँ हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद वजह से मैंने कभी हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण नहीं किया। बहुत वर्षों के बाद आज मैं यहाँ, जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल कहते हैं इसको, इसका निरीक्षण में आया हूँ। और मैंने, क्योंकि अब नई सरकार के बनने के बाद, जब मुझे, क्योंकि अभी देखना है इसको, हॉस्पिटल के अंदर कुछ कमियाँ जो होंगी, उन कमियों को पहले क्या था, अभी बैठ के मैं चर्चा करूंगा और कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैं आता हूँ तो यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर है। लोग पेशेंट आते हैं और बिल्कुल जाम सा लगा रहता है यहाँ पर, तो इसको भी हमने करना है, किस तरीके से हम इसको रेगुलाइज कर सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी मैंने देखना है। बाकी मैंने इसका दौरा करने से मुझे मालूम पड़ रहा है कि कैसे हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने कैसे काम करना है। और अभी जहां मैंने देखा, कई जगह कई बेड के अंदर दो दो पेशेंट एक बेड के अंदर है हमारे, वो भी हमारी, उसको भी हमें किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है, उसके ऊपर भी विचार करना है। मदर चाइल्ड का जो हमारा एक बिल्डिंग का काम चला हुआ है, हमारा प्रयास है कि उस स्तर में उसको किया जाए, जिससे कि लगभग 100 बेडेड का है वो भी, और उसमें भी हमारा, जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे कह रहे हैं, एमएस साहब कह रहे हैं कि हम इसको जुलाई तक जो है इस बिल्डिंग का हमने काम खत्म करना है, तो 100 बेडेड के आने से हमें और सुविधा इसमें हो जाएगी। उसमें पार्किंग व्यवस्था भी हमने थोड़ी की हुई है, कुछ और हम आर्किटेक्ट साहब हमारे चंद्र जी साथ आए हुए हैं, हम इसमें देखेंगे किस तरीके से इसको हम और डेवलप कर सकते हैं। ये विस्तृत रिपोर्ट हम इसकी बनाएंगे और विस्तृत रिपोर्ट को विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अब जब हमारे जिला से हैं और जिला का हमारा हॉस्पिटल जो है उसको हम किस तरीके स्ट्रेंथन करना है, इसके ऊपर मेरा मेन फोकस है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज आने से हमारे पास डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की सुविधाएं तो हुई होगी, परंतु उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज जब तक हमारा फंक्शन नहीं हो जाता है, तब तक सारा प्रेशर यहीं पर है। तो इसलिए जो है मैंने देख रहा हूं और जो कमी है उसको हम पूरा करने का पूरा करेंगे, और स्टाफ की मैं अभी चर्चा करूंगा कि अब स्टाफ की क्या पोजीशन है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। और मुझे कुछ ये भी लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे जो छोटे छोटे कोई एक्सरे हैं, वो कुछ हैं, वो भी यहाँ पर हमारे रेडियोग्राफर नहीं होते होंगे, क्या है जो मुझे सूचना मिली है उसको मैं देखूंगा कि किस तरीके से यही सुविधा होनी चाहिए,